मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव अधिकारियों को लेकर सख्त फैसले लेने के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी और बड़बोलेपन पर लगाम लगा रखी है। ताजा मामला सिंगरौली जिले का है, जहां एक महिला से जूते के फीते बंधवाने के मामले में एसडीएम पर गाज गिर गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगरौली के चितरंगी एसडीएम को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें चितरंगी एसडीएम असवान राम चिरावन एक महिला से जूते के फीते बंधवाते दिख रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को हटाने के निर्देश दे दिए। सीएम दफ्तर के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम द्वारा एक महिला से उनके जूते के फीते बंधवाने का मामला सामने आया है, जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। हालांकि एसडीएम असवान राम चिरावन ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने महिला को जूते की लेस बांधने का आदेश दिया। उनका कहना है कि एक एक्सीडेंट के बाद स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ के कारण वो झुक नहीं पाते हैं। ऐसे में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनकी एक कर्मचारी ने उनकी मदद करने के उद्देश्य से जूते के फीते बांध दिए। क्योंकि मंदिर पे खड़े होना था तो मैंने अपनी जूता जो है साइड में अपने दोनों पाँव के सहारे निकाल दिया था। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मैं अपने पाँव के सहारे पैर के सहारे मैंने उस जूता को पहन तो लिया, पर वो बत्ती मेरा खुला हुआ था और मैं झुक नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था, वो पाँव में फंस रहा था और तकलीफ हो रही थी। बगल में जो है हवन कुंड और नाली था, गिरे जैसा मुझे लग रहा था। तो मेरे जो कर्मचारी है निर्मला देवी, उन्होंने तो मेरा सहयोग करने के लिए मौके पर उपस्थित हुए और मेरा वो बद्दी में सहयोग किए हैं। बाकी मैंने उसको कभी आदेश नहीं किया और ये मैंने बाद में देखा कि कौन है मेरे पांव की तरफ आए हैं, तो मैंने देखा कि ये निर्मला देवी वहां पे जो है हेल्प कर रही थी मेरा। और उन्होंने, मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सर आप नाली में ना गिर जाए और बद्दी अगर फंस जाएगी तो कहीं भी गिर सकते हैं, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ये उन्होंने मौके पर कहा। वहीं महिला कर्मचारी निर्मला देवी का भी कहना है कि उन्होंने एसडीएम साहब की मदद करने के लिए उनके जूतों के खुले हुए फीते बांध दिए थे। अगर वो ऐसा न करती तो पहले से ही चोटिल एसडीएम के गिरने का खतरा था। जूता पहन के साथ चलने वाले थे, उनके जूते का बद्दी झूल रही थी, उसके में मैं सहयोग की सर, अपने सुरक्षा से की। अच्छा। मेरे को देखा नहीं गया सर, वो मैंने किसी के एसडीएम साहब नहीं बोले थे, नहीं वो तो ध्यान नहीं किए थे। हाँ। कि कौन जूता मेरे को बद्दी संभाल रहा था, ये भी ध्यान नहीं किए सर। उनकी तकलीफों को देखकर कि फिर बद्दी संभालेंगे तो सर झुक जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ। नाली है, कुंड है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिकायत आने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से नहीं चूक रहे हैं। शाजापुर में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर के बाद देवास जिले में किसानों से अभद्र भाषा में बात करने वाली महिला तहसीलदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। उससे पहले सीएम मोहन यादव ने अपनी सख्ती का परिचय देते हुए गुना बस हादसे के बाद ऊपर से नीचे तक के अफसरों पर गाज गिराई थी। एमपी के सीएम मोहन यादव के सख्त फैसलों से प्रदेश के अधिकारी वर्ग में भी हड़कंप है। हाल ही में बांधवगढ़ एसडीएम द्वारा ओवरटेक करने पर कार सवार युवक की पिटाई के मामले में सीएम ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश दिए थे। सोनकच्छ तहसीलदार अंजलि गुप्ता का किसानों के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के समय शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल का ड्राइवर को औकात बताने वाले वीडियो के वायरल होने पर उन्हें कलेक्टर पद से हटा दिया गया था। ऐसे में सिंगरौली की चितरंगी तहसील के एसडीएम को महिला से जूते के फीते बंधवाना बेहद भारी पड़ गया। सीएम ने फोटो देखते ही सिंगरौली जिले से उनका तबादला करने के निर्देश दिए हैं। साफ है कि सीएम प्रशासनिक तंत्र को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब पहले वाली हनक और सनक नहीं चलेगी, अधिकारियों को गंभीरता और सम्मान से लोगों के साथ पेश आना होगा, प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही और बदसुलूकी अब एमपी में बर्दाश्त से बाहर होगी।